नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबलाइट। दोस्तों ट्यूबलाइट हमारी कुछ कभी कभी इस तरीके से रिएक्ट करती है, यानी कि दोनों तरफ से लाल हो जाती है लेकिन वो ग्लो नहीं करती है। तो दोस्तों इस ट्यूबलाइट में क्या होता है कि वो क्यों नहीं काम नहीं करती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टार्टर सही है या ख़राब है। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम करके देखेंगे। दोस्तों अगर आपकी ट्यूबलाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही है और आपके पास स्टार्टर भी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि जो पुराना स्टार्टर ट्यूबलाइट का वो निकालेंगे। दोस्तों ये जो स्टार्टर है, ये चाहे खराब हो या सही हो, आप इसको निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसको आप खोल लीजिए। अलग अलग स्टार्टर अलग तरीके से खुल सकते हैं और सभी स्टार्टर के अंदर एक ही जैसा मटेरियल होता है। इसमें एक बल्ब होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों अगर इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप क्या करिएगा कि जो कैपेसिटर की जो दोनों लेग्स है, टांगे हैं, उसको आपस में शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा स्टार्टर है वो स्विच का ही काम करता है। क्योंकि जिसमें बल्ब लगा हुआ है वो बार बार ट्यूबलाइट को फ्लैक्चुएशन करता है। फ्लैक्चुएशन की वजह से ट्यूबलाइट में फ्लोरेसेंट होता है, वो चार्ज हो जाता है उस और वो ग्लो करने लगता है। तो हमें दोस्तों क्या करना है कि जो स्टार्टर है उसके जो दोनों लेग हैं उसको खोल के आपस में शॉर्ट कर देना है, यानी कि अब हमारा स्टार्टर ऑन स्थिति में रहेगा, यानी कि ऑन कंडीशन में रहेगा, ऑफ नहीं होगा। अगर हम इसको ट्यूबलाइट में लगाएंगे तो हमारी ट्यूबलाइट दोनों तरफ से लाल करेगी, यानी ग्लो करेगी, और लेकिन वो जलेगी नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी ट्यूबलाइट भी ऐसे ही रिएक्ट करती है तो इस कंडीशन में आपका स्टार्टर खराब हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं हमारी ट्यूबलाइट है मेरी बंद है, स्विच ऑफ करके मैंने इसको किया हुआ है, और जैसे ही मैं स्टार्टर इसमें लगाऊंगा और स्विच ऑन करूंगा तो मेरी एलईडी, सॉरी, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का डंडा है, वो लाल हो जाएगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से हल्का सा लाल हो जाएगा या वाइट सा रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो डंडा है, चौक है, सब कुछ सही है, आपको सिर्फ स्टार्टर ही रिप्लेस करना है। और अगर आप इसको इंस्टेंटली अभी ऑन करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, इसको हल्का सा घुमा दीजिएगा और जैसे स्विच काम करता है ठीक उसी तरीके से इसके अंदर चालू बंद यानी कि इसको लगाना है फिर निकालना है, स्पार्क की तरह इसमें से आवाज आएगी, वो इसमें कराना है, जिस वजह से आपका जो डंडा है ट्यूबलाइट का वो चालू हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यह ट्रिक सिर्फ इमरजेंसी में ही काम आती है, क्योंकि आप बार बार चढ़ के ट्यूबलाइट को ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, और जब भी आपको नया स्टार्टर मिले आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक छोटी सी एक और बात है, जैसे आपका डंडा जैसे ही ग्लो करता है उसी समय आपको स्टार्टर को निकाल लेना है, क्योंकि स्टार्टर अगर वापस से लगा देंगे तो हमारी ट्यूबलाइट वापस रेड हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो स्विच है वो आपस में जुड़ जाएगा और स्विच ऑन की वजह से ये वापस रेड हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी सी ट्रिक मैं आपको दिखाना चाहता था। बस आपको जैसे ही ये ग्लो करता है, ग्लो करते ही इसके अंदर आपको स्टार्टर बाहर निकाल लेना है। दोस्तों कई बार ये समस्या आ जाती है कि हम इमरजेंसी के अंदर पूरे घर में अंधेरा हो जाता है तो किस तरीके से हम उसकी ट्यूबलाइट को ग्लो कर सकते हैं, और ये स्टार्टर को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टर सही है तो आपने जो स्टार्टर शॉर्ट किया था उसको वापस से आप हटा दीजिए ताकि आपका स्टार्टर दूसरी ट्यूबलाइट में काम आ सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।